दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस ओलंपिक बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एपिस मेलिफिका के कुछ की फीचर्स के बारे में कि एपिस मेल किन सिम्टम्स पे अच्छा वर्क करती है या उसके कौन कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिसके आधार पर हम कन्फर्म कह सकते हैं कि ये एपिस मेल का पेशेंट। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एपिस मेल के जो की नोट सिम्टम्स होते हैं उसमें पहला है एडिमेटस पॉपी बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द आईज। आंखों के नीचे आपने बड़ी बार देखा होगा कि पफी स्वेलिंग हो जाती है आंख के नीचे, तो वैसी कंडीशन के लिए एपिसमिल बहुत अच्छी दवा है। दूसरा इसका जो सिम्टम होता है ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट एंड फीवर विद थर्स्ट। ड्रॉप्सी की कंडीशन में जबकि स्वेलिंग हो बॉडी के अंदर में, उस कंडीशन में बिना प्यास के पेशेंट को, उस दौरान उसको प्यास नहीं लगती है बॉडी में अगर ड्रॉप्सिकल कंडीशन है तो। एंड फीवर विद थर्स्ट, फीवर के दौरान ही केवल प्यास लगती है, वो भी चिल के दौरान जब पेशेंट को ठंडी लगती है उस दौरान। सेंसेशन एज दो एनस वाज वाइड ओपन इन डायरिया। डायरिया की कंडीशन में अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन हो कि लगे कि बहुत ओपन हो गया है स्टूल का रास्ता, एनस बिल्कुल खुला हुआ है और इस तरह से डायरिया हो रही है, पतली लाइटिंग हो रही है, तो ये सिम्टम कीनोट सिम्टम के अंतर्गत आता है एपिस मेलिफिका। तो दोस्तों ये तीन जो सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूक्लियस ऑफ द रेमडी अगर कहाँ पे इसका ज्यादा वर्क होता है उसके बारे में बात करें तो पेशेंट जेलस जहाँ पे हो, सस्पिशियस हो, अक्वार्ड हो, हिस्टेरिकल वुमन स्पेशली वीडोज अगर हो, उनके अंदर हिस्टेरिकल प्रॉब्लम्स हो, एलिमेंट्स फ्रॉम रेज वैक्सेशन बैड न्यूज जेलसी, इन सारी कंडीशन की वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है वहां पे इसका वर्क होता है। बर्निंग स्टिंगिंग सोर पेन, बर्निंग हो, जलन हो, स्टिंगिंग जैसे डंक मारता हो, इस तरह का कोई दर्द हो, सोरनेस हो वहां पे, और जिसमें ठंडे पानी से आराम मिलता हो, पेन माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ओडोमाटस पफिनेस है, दबाने पे आप देखेंगे कि कहीं अगर सूजन है वहां दबाने पे गड्ढा पड़ जाता हो, तो वैसी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी दवा है। साथ में कंडीशन ये है कि उसमें प्यास नहीं होती है। स्वेलिंग लोकल और जनरल, बॉडी में जो स्वेलिंग है या तो किसी लोकल पर्टिकुलर पार्ट में या पूरी बॉडी में अगर स्वेलिंग है तो वहां पे भी इसका बहुत अच्छा वर्क होता है विदाउट थर्स्ट, बिना प्यास, बट फीवर विद थर्स्ट, लेकिन फीवर की कंडीशन में प्यास होती है, ये ध्यान देना। 3 PM इसकी तकलीफें जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। एसोसिएटेड स्ट्रेंगुलरी और यूरिनरी कॉम्प्लेंट्स, ठीक है, इसके साथ में यूरिनरी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, स्ट्रेंगरी की कंप्लेंट्स हो सकती हैं, तो ये इसके न्यूक्लियस ऑफ द रेमेडी है। कंफर्मेटरी सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसका जो पेशेंट होता है हॉट पेशेंट होता है, पेशेंट बहुत हॉट होता है, मतलब ये कि इसको गर्मी से तकलीफें बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। थर्स्टलेसनेस, प्यास प्यास नहीं रहती है। राइट साइडेड जननी, दाएं तरफ किसी तकलीफें पड़ती हैं। इडिमेटस ड्रॉप्सिकल स्टेट हो, और इडिमेटस कंडीशंस हो, ड्रॉप्सिकल स्टेट हो, स्वेलिंग हो और दबाने पे गड्ढा पड़ जाता हो, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन्स और ठंडे पानी से पेशेंट को आराम मिलता हो, तो ये अगर सिम्टम्स मिलते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर में, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो आप वहां पे अगर एपिस मेल का यूज करते हैं 30 या 200 पोटेंसी अकॉर्डिंग टू कंडीशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट, तो आप देखेंगे वहां पे बहुत अच्छा वर्क करती है ये दवा, ठीक है। तो दोस्तों ये है, और इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकली कहाँ कहाँ पे यूज इसका किया जाता है, एबॉर्शन की कंडीशंस में, एंजियो न्यूरोटिक इडिमा की कंडीशंस में, आर्थराइटिस की कंडीशन में, सिस्टाइटिस, ठीक है, जहाँ पे किडनी में सूजन हो जाए वहाँ पे, हर्पिस जोस्टर, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजीज में स्वेलिंग हो ब्रेन की, नेफ्राइटिस, फेरिंजाइटिस, प्लूरिसी, निमोनिया, प्लाइनो नेफ्राइटिस, अर्टिकेरिया। एपिस सजेस्ट स्लो एक्शन एंड मस्ट नॉट बी चेंज टू शुड। एपिस का जो एक्शन होता है धीमे धीमे होता है, इसको तुरंत बदलना नहीं चाहिए। तुरंत होता नहीं कि जैसे दवा दिया तुरंत रिजल्ट नहीं आया, 2 दिन के बाद दवा रुक चेंज कर देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए एपिस मेल के केस में, क्योंकि इसका एक्शन धीरे धीरे होता है। इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन शोज दैट द रेमेडी हैज स्टार्टेड एक्टिंग फेवरेबली। जब पेशेंट के अंदर में आप दवा देने के बाद में जो यूरिन का फ्लो बढ़ जाए, अगर पेशाब बढ़ जाए, तो समझिए कि ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है और ये दवा काम करना शुरू कर दी है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है।
कंप्लीट स्टुपर इल्ड्स टू एपिस आफ्टर ओपीएम फेज। ओपीएम फेज के बाद एक कंप्लीट स्टुपर की कंडीशन अगर डेवलप हो जाए तो वहां पे ये दवा बहुत अच्छा वर्क करती है। शुड बी गिवन कॉशियसली ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की जो पहले 3 महीने होते हैं वहां पे इसको बहुत ध्यान से दवा देना चाहिए। इन लो पोटेंसी लाइबल टू प्रोड्यूस मिस कैरेज। डॉक्टर कॉपर ट्विट कहते हैं कि लो पोटेंसी में ये मिस कैरेज कर देती है, अबॉर्शन की कंडीशंस लेके आ जाती है। तो इसलिए जो पहले 3 मंथ्स होती है वहां पे लो पोटेंसी से बचना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इसको बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, उस दौरान करना है या नहीं करना है, ठीक है, इसका ध्यान देना है। एपिस फॉर ड्रग बर्न्स, आयोडीन, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। एपिस अगर ड्रग बर्न, अगर ड्रग की वजह से जो बर्न हो, स्पेशली आयोडीन या क्लोरोफॉर्म की वजह से या और कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है डॉक्टर पल फोर्ड के अनुसार। अब हम दोस्तों बात करते हैं रेमेडी रिलेशनशिप्स के बारे में कि किन रेमेडी से इसका कैसा रिलेशनशिप। ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है नेट्रेम्यूर के, नेट्रेम्यूर के साथ इसका बहुत अच्छा वर्क होता है, फॉलोड वेल बाय आर्सेनिक, ग्रेफाइटिस, आयोडीन, कालीबाइक्रोम, लाइकोपोडियम, फास्फोरस, स्टामोनियम, सल्फर, ठीक है, फॉलोड वेल। इन सारे मेडिसिन को फॉलो अच्छे से करती है, फॉलोज वेल, ठीक है। एपिसमिल के बाद ये दवाएं अच्छा काम करती हैं, आर्सेनिक, ग्रेफाइटिस, ये सारी फॉलोज वेल। जिनको ये फॉलो करती है यानी इनके बाद एपिसमिल अच्छा काम करती है वो है ब्रैनिया, एलेबोरस, रिपर, आयोडीन, लाइको, मर्क एंड सल्फर। इनिमिकल है रस्टॉक्स की, रस्टॉक्स के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न इसके पहले न इसके बाद। इसको कंपेयर कर सकते हैं हम एस्टिक एसिड, एकोनाइट, ये सारी मेडिसिन के साथ में। सिमिलर है, ये सारी मेडिसिन आप देख रहे हैं, सारी मेडिसिन के साथ में ये सिमिलर कंडीशन डेवलप करती है। एंटीडोटेड बाई, ठीक है, ये दवा एंटीडोट की जाती है इपिकाक, लैकेसिस, रिडम्पान और नेटम्यूर के द्वारा, और ये एंटीडोट करती है कैंथेरिस, चाइना, डिजिटेलिस एंड आयोडीन। तो दोस्तों ये सारे इसके रेमेडी रिलेशंस हैं। और ये बात हुई बेसिकली एपिस मेलिफिका के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए ताकि वो लोग इससे फायदा ले सके। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।